हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए, आपकी जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके में भी हमारा रिवीजन चल रहा था और सब्जेक्ट की तरह मैंने आपको चैप्टर 10 तक रिवीजन करा दिया था। आगे के चैप्टर्स हम रिवाइज करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है, दैट इज इट्स एन एक्शन। ठीक है, ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वी परफॉर्म मैनी एक्शन इन आवर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शन करते हैं। कैन यू फिल इन द बॉक्सेस विद ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्शन वर्ड्स। ठीक है, कोई भी काम करना वो हमारा क्या होता है, एक्शन। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया तो वो भी एक क्या है, एक्शन। हमने पानी पिया वो क्या है, एक्शन। हमने गेम खेला तो वो क्या है हमारा, एक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने खेला और पिया या खाया तो ये हमारी क्या है, एक्टिविटी हो गई। ठीक है ना, तो जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। तो इसमें मैंने आपको इनके मीनिंग भी लिखा रखे हैं कॉपी में। हो सकता है आपको कोई मीनिंग पूछे किसी का, जैसे प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, ड्रिंक मीन्स पीना, फ्लाई मीन्स उड़ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इमेज देखकर ये एक्शन फिल करना है कि यहाँ पर ये बेबी जो है वो क्या एक्शन, क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक्शन हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे वी फ्लाई द काइट, वी प्ले गेम्स, वी ड्रिंक वाटर, वी वॉच टीवी, वी ईट फूड, वी राइट लेटर्स। स्पेलिंग को याद रखना, राइट की स्पेलिंग आर आई जी एस टी होती है वो भी राइट होता है, और डब्ल्यू आर आई टी होती है वो भी राइट होता है। तो जो आर आई जी एस टी राइट होता है वो होता है दायां या सही, उसका मीनिंग ये होता है। और डब्ल्यू आर आई टी राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। ठीक है बच्चों, तो हमें स्पेलिंग को भी अच्छे से याद करना है कि किसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वी स्मेल फ्लावर्स, वी बाथ डेली। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 12, दैट इज एड अ लेटर। यहाँ पर हमने जो नीचे हमें मीनिंग दिया है उसी मीनिंग के अकॉर्डिंग एक लेटर को ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कोई भी अलग अलग मैं आपसे पूछ लूँ, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल, जो व्हीकल ड्राइव करता है उसे हम क्या कहते हैं, यस ड्राइवर। तो यहाँ पर रिवर की स्पेलिंग दे रखी थी लेकिन हमें ड्राइवर की स्पेलिंग बनानी है, तो हमने एक लेटर ऐड करा यहाँ पर डी, तो क्या बन गया, ड्राइवर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ दिया इम्पोर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक वर्ड बनाना था जिसमें हमने क्या लेटर ऐड किया है, एन, एम आई एन डी, क्या बन गया, माइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे लेटर उससे रिलेटेड लर्न करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया जैसे कंपटीशन ऑफ स्पीड, स्पीड से रिलेटेड है तो ये क्या है, रेस। अप्रीशियस मेटल, मेटल से रिलेटेड है तो ये कौन सी मेटल बन गई, गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे वर्ड्स को एक बार रीड कर लेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, दैट इज द शॉर्टकट। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट यूज करते हैं, डेली यूज में भी, या जनरली हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो उनमें भी हम शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिया रेफ्रिजरेटर, किसको बोला है, फ्रिज को। क्या आप डेली में रेफ्रिजरेटर बोलते हो उसे, नहीं, क्या बोलते हैं हम नॉर्मली, फ्रिज। तो फ्रिज उसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सबकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये हम एक बार शॉर्ट फॉर्म सबकी रिवाइज कर लेंगे बच्चों। ठीक, ये चैप्टर 13 होता है। इसके बाद चैप्टर 14 है हमारा, दैट इज राइम टाइम। आप सभी ने राइम पढ़ी है तो ये उन्हीं राइम्स में से आपको बीच बीच में से एक एक लाइन यहाँ पर दी है, उनमें एक एक वर्ड मिसिंग है तो वो आपको राइम के अकॉर्डिंग, आपको राइम भी रिवाइज हो गई और आपने वो वर्ड भी फिल कर दिया। तो एक बार सारी पढ़ लेते हैं। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, याद आ गई ना। नेक्स्ट है डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, मैरी हैड अ लिटिल लैम लिटिल लैम, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे,
ओके बच्चों, तो आप ये राइम टाइम भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 15, दैट इज इट्स माई टूल। मैंने आपको सभी के यहाँ पर जो भी हमारी ये कौन है, हमारे आवर हेल्पर्स हैं, ये हमारी अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। तो इन हेल्पर्स के अलग अलग टूल होते हैं, ठीक है। इन टूल्स से हमने इन हेल्पर्स के मैचिंग करी थी कि किस हेल्पर का कौन सा टूल है। से टीचर, फार्मर, कारपेंटर, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे ये हेल्पर्स हैं। तो हमें जो हमने मैंने आपको टूल के नेम भी लिखवाए थे, तो हमें टूल्स के नेम से रिलेटेड उनको लर्न करना है। देखो ये मैंने आपको चैप्टर 15 कॉपी में कराया था, मैंने सबकी इमेजेस के साथ सबके नेम भी आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो अगर नेम से आपको मैचिंग करने के लिए आ जाए या कोई नेम रिलेट उससे पूछे कि इस हेल्पर का कौन सा टूल है, तो आप घबराना नहीं बच्चों, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे टीचर है, टीचर का ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इस तरीके से हम सारे एक बार पढ़ लेंगे इनको, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा रिवीजन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।